ओम विद्यानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय गौरतुभ्यशे नमः। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमोस्तुते। वृंदावन सी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने पिछली बार इधर विश्राम दिया था। हम श्रीनिवास आचार्य का चित्र का श्रवण करें, इस प्रसंग को आगे बढ़ाते। वन डे श्रीनिवास मेट वंशी वंदन ठाकुर एंड आस्क्ड हिम व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, आई नेवर सीन यू बिफोर। एक दिन श्रीनिवास आचार्य की मुलाकात वंशी वंदन ठाकुर से हुई और उन्होंने पूछा श्रीनिवास को, आप कौन हो, कहाँ पे रहते हो और मैंने आपके पहले दर्शन नहीं किए। उत्तर देते हैं, माई नेम इज़ श्रीनिवास, आई लिव इन यजीग्राम, मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं यजीग्राम का निवासी हूँ। ही रिप्लाइड, चैतन्य महाप्रभु ऑर्डर्ड मी टू स्टडी श्रीमद् भागवतम अंडर गदाधर पंडित, बट आई एम सो अनफॉर्चुनेट डैट आई बीन अनएबल टू डू सो। तो कहते चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आदेश दिया था कि आप भागवत का श्रवण करिए, लेकिन मैं कितना अभागा हूँ कि मैं नहीं कर पाया, क्योंकि गदाधर पंडित से धरातल को छोड़ के चले गए थे भगवत धाम में। एज श्रीनिवास बिगैन टू क्राई अनदर डिवोटी ईशान दास अराइव्ड। तो श्रीनिवास को इस बात का विरह था, बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे थे कि मुझे गदाधर पंडित के से भागवत सुनने का सौभाग्य नहीं हुआ, और ऐसे उस कोटि के संग जो स्वयं राधा रानी के अवतार है उनसे सुनना एक अलग सौभाग्य की बात होती है। कथा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो निज जन प्रभु के होते हैं उनके मुख से सुनने से एक अलग ही रस प्राप्त होता है, और नहीं अगर ये सौभाग्य मिला तो बहुत दुख की बात होती है। एज श्रीनिवास बिगैन टू क्राई अनदर डिवोटी ईशान दास अराइव्ड। श्रीनिवास जी जब रो रहे थे और एक भक्त जो है ईशान दास वो आए। ईशान वॉज कंपैशनेट टूवर्ड्स ऑल लिविंग एंटिटीज एंड एज सून एज ही सॉ द ग्रेट डिवोटी श्रीनिवास हिज हार्ट फिल विद एक्सटेसी। ईशान दास जो हैं वो बहुत दयालु हैं सब भक्तों के प्रति, और जैसे ही उन्होंने देखा कि महान भक्त श्रीनिवास आचार्य है तो उनका हृदय जो है आनंद से भर गया, उनके अंदर भाव जागृत हो गए, क्योंकि श्रीनिवास जो थे साक्षात चैत्र महाप्रभु के प्रेम ही इस रूप में आया, या दूसरे अर्थों में कह लो कि महाप्रभु ही संग श्रीनिवास के रूप में आए हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए, हरिनाम वितरण करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए। जो धारा रुक चुकी थी या रुकने वाली थी किसी के अंतर्धान होने पे, प्रभु नहीं चाहते थे कि वो रुके, इसलिए वो श्रीनिवास आचार्य के माध्यम से आए हैं। तो He asked about your welfare. उन्होंने पूछा कि श्रीनिवास आपके कुशल सुना। When he heard that श्रीनिवास was alone living like a renunciant, he immediately understood that the boy must be empowered by श्री चैतन्य महाप्रभु। जब उन्हें यह बात का पता चला कि वह एक त्यागी की तरह रह रहे हैं तो उन्हें लगा कि महाप्रभु की कृपा के पात्र होंगे, तभी वो अकेले में रह रहे। मनुष्य के हाथ से जो भी श्रेष्ठ कर्म होते हैं
वो सब प्रभु के कृपा शक्ति के वजह से ही होते हैं। अगर जीव उसमें प्रभु के कृपा ना मान के अपनी विशेषता मानता है और अहंकार धारण करता है कि मैं कितना मानूं, मैंने ये किया वो किया, तो कृपा शक्ति हट जाती है और इंसान एकदम बेकार हो जाता है और उसका उल्टा पतन भी हो जाता है। इसलिए जीव को निरंतर भजन करना चाहिए और हर क्रिया को प्रभु की कृपा मानते हुए ही उसे चलना चाहिए, तब जाके वो बच सकता है। क्योंकि कृपा मानोगे तो प्रभु के आश्रित रहोगे, जो आश्रित रहेगा तो उसका कभी पतन नहीं होता, प्रभु उसे बचा लेते हैं। When ईशान रिटर्न होम ही इन्फॉर्म विष्णुप्रिया, ईशान जब घर पे आते हैं तो उन्होंने विष्णुप्रिया जी से कहा अबाउट श्रीनिवास के विषय में, आई मेट अ वंडरफुल बॉय ऑन द बैंक ऑफ द गैंजेस, मुझे एक अद्भुत बालक मिला गंगा जी के तट पे, हु वॉज क्राइंग प्रोफ्यूली वाइल चैंटिंग गदाधर पंडित्स नेम, जिन जो बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे थे, रो रहे थे गदाधर पंडित का नाम जपते हुए। देखो प्रभु के वियोग में विरह में रोना ही रोने की सार्थकता है। हमारे अश्रु जो होते हैं वो संसार को लेके होते हैं, संसार को लेके रोगे तुम्हें लाभ के बजाय नुकसान ही होएगा, क्योंकि संसार में कोई रोने लायक है ही नहीं, इन क्योंकि कोई कदर नहीं करता आपके आंसुओं की, ना कोई करेगा। इन आंसुओं को संभाल के रखिए, अगर कभी बहाना भी पड़े तो प्रभु के लिए बहाना, प्रभु के लिए थोड़े भी आंसू बहाओगे प्रभु दौड़े आएंगे, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, उनसे बर्दाश्त होगा। संसार के लोग परवाह नहीं करेंगे और हमारे प्रभु दौड़े आएंगे, ये अंतर होता है। इसलिए आंसुओं को संभाल के रखिए, अब जब रोना पड़ेगा तो प्रभु के लिए ही रोना, संसार के रोने की आवश्यकता नहीं है। ही इज़ अलोन, हिज आइज आर कॉन्स्टेंटली फिल्ड विद टीयर्स, वो अकेला है, उसकी आँखों में हमेशा अश्रु रहते हैं। एंड हिज बॉडी इज थिन, काइंडली अलाउ मी टू फीड हिम, और उसका शरीर कमज़ोर है, मैं उसे भोजन कराना चाहता हूँ। तो ये किससे कह रहे हैं, ये जानवा माता से जो नित्यानंद जी की पत्नी है, तो सॉरी विष्णुप्रिया से जो महाप्रभु के पति, उनसे कह रहे हैं। विष्णुप्रिया अंडरस्टूड दैट दिस बॉय मस्ट बी दी वन डिस्टाइंड टू बी दी पर्सोनिफिकेशन ऑफ लव ऑफ गॉड है, तो विष्णुप्रिया समझ गई ये लड़का है वे वही होएगा जो भगवान का साक्षात स्नेह ही है, यानी महाप्रभु ही इस रूप में इस धरातल पे आए हैं। गो एंड गिव हिम राइस एंड अदर थिंग, जाओ उसे चावल खिला के और अन्य वस्तु। विष्णुप्रिया आंसर विष्णु को उत्तर देती है, ही मस्ट बी सफरिंग ड्यू टू फीलिंग ऑफ इंटेंस सेपरेशन फ्रॉम माई लॉर्ड, उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहेगा क्योंकि उसके अंदर तीव्र विरह है, अपने प्रभु के वियोग का तीव्र विरह है। बिगैर प्रेम के न वियोग होता है न विरह की अनुभूति होती है। हम चाहे अपने आप को भक्त मानते रहे या कहलवाते रहे, सत्य तो यह हमारे जीवन में लेश मात्र भी प्रेम नहीं। अगर हमने मांस मदिरा ये वो नियम का पालन करे, वो सब छोड़ के शराब जुआ परस्त्री और प्याल लहसुन चाय कॉफ़ी कंटी, हम अभी केवल मनुष्य बने हैं, भक्त अभी नहीं बने। ये केवल मनुष्य बनने के लक्षण है, भक्त तो बहुत ऊंची अवस्था होती है, उसके लिए प्रेम होना चाहिए। प्रेम के लिए साधु संघ की जरूरत है, और साधु संघ कैसा, निरंतर हरि कथा सुनने को मिले, और कथा का उद्देश्य होना चाहिए जीव से हरि नाम करवाना, और जब लगातार वो जीव नाम जप करेगा तो प्रभु का प्रेम उसके हृदय में जागृत होएगा ही होएगा। हो सकता है किसी को थोड़ा लेट हो या किसी को थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि सबके संस्कार कर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि प्रेम उत्पन्न हुए बगैर वो रह नहीं पाएगा, प्रेम उत्पन्न होएगा ही होएगा उसके अंदर। लेकिन अखंड हरिनाम चलना चाहिए, अहरनिश चलना चाहिए, यानी कंटिन्यूसली चलना चाहिए। यह नहीं कि थोड़ी माला करके छोड़ दी, ऐसा नहीं चलेगा, खूब माला करनी पड़ेगी। 64 माला तो कम से कम प्रत्येक जीव को कम से कम 64 माला करनी चाहिए, वो मिनिमम है, न्यूनतम है। उससे ऊपर जितना अधिक करोगे उतनी विशेष कृपा मिलेगी, उससे कम कोई भी परिस्थिति में हमें नहीं करना चाहिए, जो प्रेम की अवस्था में आना चाहते हैं।
दूसरी चीज़ क्या होता है, जब इंसान भजन करता है तो उसके अंदर ना बहुत से वेग उत्पन्न होते हैं, यानी क्रोध अधिक आएगा और भी कई प्रकार की चीज़ें होंगी, संसार का प्रलोभन आएगा, आकर्षण आएंगे, इससे क्या आएगा, उसको विचलित करने की माया प्रयास करती है, क्योंकि ये मेरा दास न होकर भी कृष्ण दास हो रहा है तो माया चाहती है कि मेरा दास बना रहे। तो हम इंसान को क्या लगता है, मैं भजन कर रहा हूँ, मेरे को क्रोध ज़्यादा आ रहा है, मेरे को ये बुरे विचार ज़्यादा रहे, बुरे विचार आ नहीं रहे, बुरे विचार थे वो निकलने शुरू हुए हैं, इससे तुम्हें लग रहा है कि विचार आ रहे हैं, वास्तव में तुम्हारे अंदर थे, वो सफाई शुरू हुई है आपके हृदय की, इससे नए संस्कार आ रहे हैं कथा जाप के द्वारा, तो बुरे निकल रहे हैं, इससे तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। आप प्रलोभन आएगा, लोग आपको प्रलोभन देंगे, आज इधर चलो उधर चलो, आज घूमने जाते ये जाते, क्यों, कोई कथा ना सुनो, वो यही तो चाहती माया कि ये मेरा दास बन छोड़ के कृष्ण का दास बन गया तो क्या होगा। अगर इसका भजन प्रबल हुआ, ये 64 माला के ऊपर करता है तो ये राधा कृष्ण की भक्ति का खूब प्रचार करेगा और हज़ारों जीवों को भगवान के शरण में जाएगा, तो मेरे तो दास कम हो गए, तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े विघ्न उपस्थित करती है माया। माया विघ्नों पर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, बहुत से लोग हो जाएंगे, आपकी निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, अरे हम भी तो भजन करते, ये कहते हमेशा माला करते रहते हो, ये नहीं होना वो नहीं होना, ये नहीं पता कि शास्त्र में क्या लिखा है। ये शास्त्र सम्मत बात पे बता रहा हूँ कि उस पर लिखा है कि जो जीव माया के चंगुल से ढीला पड़ना चाहता है, निकलना चाहता है, उसको 64 के ऊपर करनी पड़ेगी, तभी वो निकल पाएगा, अन्यथा वो नहीं निकलेगा। हमारे प्रभुपाद जी ने यहाँ तक कह दिया, वो इंसान पतित कहलाता है जो 64 वाला नहीं करता। और विघ्न आएंगे, लेकिन क्या आएगा, निरा अगर साधु संघ में बने रहोगे ना, एक अलग दृष्टि मिलेगी, साधु दृष्टि देते हैं, आपकी सोच विचारधारा परिवर्तित करते हैं, जिस पे इंसान परिस्थिति में दुख की अनुभूति करता है उसी में वो सुख की अनुभूति करना शुरू करता है, उसे आनंद आना शुरू होता है कि देखो जी भगवान की कितनी कृपा है, मैं तो समझता मेरे पे कृपा नहीं, अरे प्रभु की तो बड़ी कृपा चल रही मेरे पर, इस बात की वह अनुभूति करता है, क्योंकि शास्त्र उसको दृष्टि देते हैं, वो समझता है। साधु समय आपको बस समझ में आती है, आम इंसान बोलेंगे और जी माला करा तकलीफ आ रही, माला करा ये हो रहा है हमारा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसको कितना लाभ हो रहा है, उसके संसार की आसक्ति कट रही है, उसके सच्चाई दिखाई देनी शुरू होती है, उसका भजन का स्तर बढ़ रहा है, पहले इसको समय नहीं मिलता रहा, भजन बढ़ रहा है, भजन बढ़ना ही तो सबसे बड़ी कृपा है, भजन घटना ही दुर्भाग्य का लक्षण है, भजन बढ़ना ही कृपा का लक्षण होता है। और उसके आसक्ति भगवान में बढ़े, संसार का आकर्षण खत्म हो रहा है, तो कितनी सुख कृपा है, उसका अहम चकनाचूर हो रहा है, ये तो उसको ये अहम बढ़ता ही जा रहा था कि मेरे जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो जब कथा सत्संग में आता है, जब भजन करता है, तो भगवान उसके अहम को चकनाचूर करते हैं, उसकी सहन शक्ति बढ़ाते हैं, उसके अंदर सहनशीलता बढ़ती है, तो हर प्रकार से उसे कृपा ही तो मिल रही है। ये तो पहले मैं क्यों बर्दाश्त करूँ, मेरे से बर्दाश्त होता, कहते मैं सिखाता बर्दाश्त करना, तू कहता मैं नहीं कर सकता, भगवान मार मार के जूते चकाते हैं, आपके अहम को चकनाचूर करते हैं, अहंकार टूट रहा है, सहन शक्ति बढ़ रही है, तो उसका फल क्या हो रहा है, उसका फल ये हो रहा है कि भगवत प्रेम उत्पन्न हो रहा है, आप भगवान के करीब पहुंच रहे हो, आप भगवान के करीब पहुंचना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और लक्ष्य है, उसके पास पहुंचना ही जीवन का उद्देश्य लक्ष्य हमारा। तो कहते हैं जाओ उसे चावल दीजिए, ये वो बहुत दुखी है और दुख पा रहा है भगवान के विरह के कारण। ईशान हैप्पीली गैदर्ड सम कुकिंग इंग्रेडिएंट्स एंड वेंट टू मिस श्रीनिवास। ईशान जो है खुशी से खाने की सामग्री इकट्ठी करके ले गए श्रीनिवास के पास। ही से कुक द दिस फूड ऑन द बैंक ऑफ द गंजेस एंड ईट। आप रसोई बनाइए गंगा जी के तट पे और खाइए। जस्ट व्हेन श्रीनिवास वॉज अबाउट टू फिनिश कुकिंग हाउएवर विष्णु प्रिया सेंट 10 संन्यासी जस्ट टू टेस्ट डिवोशन एंड रेनाउंसिएशन। जैसे श्रीनिवास ने रसोई तैयार कर ली, खाने ही वाले थे, विष्णु प्रिया ने 10 संन्यासियों को भेजा उसकी भक्ति और त्याग की परीक्षा लेने के लिए कि कितनी भक्ति उसका त्याग वास्तव में सत्य है कि ये नकली है। देखो प्रभु ने अगर आपको सर्वश्रेष्ठ चीज़ प्रदान करनी है, वो ये भी देखेंगे आप उसके लायक हो के नहीं हो।
वे क्या था, कष्ट आया हमने बाला की, कष्ट निवारण हो गया, हम बड़े खुश होते हैं। ये तो स्वार्थ जनित संबंध हुआ कि भाई मेरे किस्ते करो क्योंकि मेरे कष्ट दूर हो जाए। मान लो अगर नहीं भी किए प्रभु ने दूर तो क्या करोगे, छोड़ दोगे? तो मतलब तुम्हें प्रेम का है। हम जो आ रहे हैं कथा पे, हम जो माला करें इसलिए कि मुझे प्रेम है, इसलिए कि मेरे स्वार्थ की सिद्धि हो रही है। जहाँ पे स्वार्थ की सिद्धि होनी बंद हो जाएगी, मैंने माला छोड़ देनी, कथा छोड़ देनी। इसका मतलब मुझे भगवान से कोई प्रयोजन नहीं, कोई प्रेम नहीं, मैं संसार से निकलना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे संसार में मुझे भोग चाहिए, मुझे प्रभु नहीं चाहिए, मुझे प्रभु से चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए, प्रभु से चाहिए। उसको के प्रति कृतज्ञता के भाव, थैंकफुलनेस बिल्कुल नहीं। अरे जिससे ले रहा उससे प्रेम तो करो, उसको धन्यवाद तो दो। कैसे कथा कर कीर्तन, नहीं एक चीज़ नहीं पूछा पूरी की, नाराजगी होगी, चलो मैंने नहीं करना। सबसे पहले जीव छोड़ता है तो अपनी माला ही छोड़ता है, और कोई वस्तु छोड़ने के रह नहीं गई थी, एक माला ही छोड़नी रह गई थी। इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारा, इतनी बुराई है वो नहीं छोड़ेगा, इतनी सब कुछ चीज़ें वो नहीं छोड़ेगा, पहले माले छोड़ेगा, मुझे क्या फ़ायदा? अन्य चीज़ें क्या उस पर तुम्हें क्या फ़ायदा रहा, मुझे पहले बताओ। आप हर चीज़ यही से सोच के क्यों करते हो कि क्या फ़ायदा होएगा? वो प्रभु को जब जो वस्तु देनी है वो देगी देगी, ये उद्देश्य से जब क्रिया करोगे मुझे क्या लाभ? तो लाभ तो मिलना आपके हाथ में नहीं, आपके अधीन नहीं। फल कर्म का फल तो आपके अधीन नहीं, कब किस समय कब प्रभु को देना है वो फल देंगे देंगे। तुम अपना कर्तव्य करिए, नहीं तो क्या क्या ये सोच के करोगे कि क्या लाभ? तो कभी इंसान अपना कर्तव्य निभा नहीं सकेगा। समझो आपका एक्सीडेंट हो गया, आप रोड पे पड़े हो, मैं ये सोचूंगा मेरा क्या कर्तव्य, मेरे को क्या फ़ायदा, मैं क्यों उठा के लेके जाऊँ? अच्छा कल मालूम मेरी स्थिति हो, मैं भी वो भी सामने वाले भी सोचे, हम तो कभी किसी की सेवा परोपकार कर ही नहीं सकते। क्या आपका कर्तव्य नहीं था उसे उठा कर हॉस्पिटल लेके जाना? हम चाहते हैं कि लोग मेरे साथ वैसा व्यवहार करें, लेकिन मैं वैसा व्यवहार उनके साथ नहीं करना चाहता हूं। मैं हर चीज़ में अपना स्वार्थ देखता हूं। तो इसलिए जब इंसान अपना स्वार्थ देखता है और दूसरे की सहायता नहीं करता है, तो वो कभी उसका भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, उसका भी सहायता नहीं मिलेगी। तो उन्हें क्योंकि तो हर चीज़ में अपना स्वार्थ ही तो देखा, मुझे क्या फ़ायदा? तो कर्तव्य समझ के कब काम किया? तो मेरी प्रसन्नता के लिए कब कोई क्रिया की है? जो तू चाहता मैं कृपा करो। और संसार में ऐसा नहीं होता, आज मैंने ये किया तो कल ये होना चाहिए, नहीं भैया। ग्रेजुएशन होने में भी 15-16 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। पेड़ की बीज बो तो रोज देखो तो पेड़ नहीं उगता, महीने डेढ़ के बाद देखो तो अंकुर निकलता उसमें से, कई सालों बाद वो पेड़ के रूप में परिवर्तित होता है, उसके बाद फूल आते हैं, बाद फल आता है। तो आप बोलोगे कि मैंने आठ डाला कल हो जाएगा, असंभव। हर चीज़ का अपना समय होता है, प्रभु को पता है कब किसको क्या देना, किस परिस्थिति में देना। इस बात को हमें विश्वास रखना चाहिए और दृढ़ रहना चाहिए कि परिस्थिति में भजन कोई भी अवस्था में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं प्रभु का दास हूँ, मेरा कर्तव्य है उसकी सेवा करना। आज तक मेरे को जितना मिला और जो मिला है उसकी कृपा से ही मिला है। मैं तो इतना बेकार हूँ, मैं तो झाड़ू मारने की भी कोई नौकरी मुझे नहीं दे, मैं इतना थर्ड क्लास इंसान हूँ, मैं उसके लायक भी नहीं हूँ। जो मैं आज हूँ जिस परिस्थिति में हूँ केवल उसकी कृपा का फल है, इसलिए उसको धन्यवाद मैं खूब भजन करके ही दूंगा, खूब नाम कीर्तन करके ही मैं उसको धन्यवाद दूंगा। इस प्रकार हमारी सोच होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा पता है, इंसान अपना ही नुकसान करा के लेता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम प्रभु का भजन करो या नहीं करो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपना नुकसान डेफिनेटली करके लोगे, क्योंकि भजन नहीं करोगे कर्म कटेंगे नहीं। कर्म कौन से कर्म, कब जागृत हो बुरा रूप ले ले कोई कह नहीं सकता। मुझे एक हमारे मित्र है, बहुत करीबी मित्र हैं, उनका बेटा 20 साल करीब होएगा। उसको मैं 2-3 साल से कह रहा था भजन कर भजन कर, नहीं मैं तो 40 के बाद करूँगा, अभी नहीं, अभी तो मैं एंजॉय करूँगा, ठीक है कोई बात नहीं नहीं कर। अचानक महीना डेढ़ पहले पेट पे ऐसा उसको तकलीफ हुई, उसको अपना अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ा। अचानक डॉक्टर ने कहा इमीडिएटली कर दो, नहीं तो मर सकता है, फट गया था अंदर पेट के अंदर, और भगवान ने उसको बचा लिया। हो किया तो तब से थोड़ी आठ माला की वगैरह थोड़ी माला की, फिर ढीला पड़ गया। देख करेंगे बाद में, जी को ये सोचता है कि
अभी तो मैं ठीक और स्वस्थ हूँ, मुझे जरूरत नहीं। अब आज उसके पिताजी बताते हैं उसको लूज मोशन लगे, पेट पर दर्द हो रही कोई ना कोई वजह से। वो जब माला करता है उस वक्त बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, अब माला छोड़ता फिर तकलीफ होती। तो पिताजी को बोलता लगता प्रभु मुझे मार मार के भजन करवा रहे, कहते जब मैं माला तब मेरे को दर्द क्यों नहीं होती है, और जैसे ही मैं माला छोड़ता मेरे पेट पर दर्द शुरू हो जाती है। और अभी वो 16 माला कर रहा है, अभी 16 माला पे आ गया, तेरी 8 से 16 पे तो आया। तो लगता है कि उसने खुद अपने मुंह से पिताजी को बोला ऐसे लगता कि मुझे मार मार के भगवान भजन करा रहे हैं। तो यही होता है, तुम नहीं करोगे, तुम सोचो कि तुम स्वस्थ हो, कौन सी तकलीफ कौन से कर्म किधर जागृत होए किस रूप में मारे तुम सोच भी नहीं सकते हो। और हर चीज़ इतनी अचानक होती है, आदमी सोच नहीं सकता कि मेरे साथ क्या होगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी ये ऐसा होएगा, वो घटना मेरे साथ हो जाती है। ठीक है, वो बात अलग है, दवाई खा रहा है, इलाज हो रहा है, चल रहा है, लेकिन दवाई भी असर तब करती जब पुण्य होते हैं, पाप कर्म प्रॉब्लम का दवाई भी असर नहीं करती है। सही डॉक्टर भी नहीं मिलता तभी, सही डॉक्टर भी कृपा से मिलता है। इसलिए ये मैं बोल के डॉक्टर इलाज किया, सही डॉक्टर भी प्रभु की कृपा से मिला है, और दवाई भी असर तब करती जब आपके जब बुरे कर्म का खत्म होने का समय आता है, शुभ कर्म तब दवाई असर करनी शुरू होती है, ये तो दवाई भी असर नहीं करती, ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, इसलिए जीव को निरंतर हमेशा भजन करना चाहिए। आपके कर्म तो काटने काटने हैं, पर भगवत प्रेम उत्पन्न कराना है, क्योंकि प्रेम उत्पन्न होगा तो ही तो भगवत धाम में जाओगे, बगैर प्रेम के कैसे जाओगे मुझे बताइए। क्योंकि आज आपके पुण्य चल रहे हैं, अच्छा समय चल रहा है, अनुकूलता हो रही है, जीव को लगता है कि मैं जो मर्जी करूं कुछ होने वाला नहीं है, और होता भी नहीं है। सोचा वो गलत काम भी करे तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला बोलता देख यार वो गलत काम कर कुछ होने, लेकिन जिस दिन पुण्य खत्म होंगे बुरा समय जाएगा, सूद समेत एक एक हिसाब निकलेगा, सूद समेत निकलेगा, तब पूछूंगा कि क्या हो गया अभी, तब हम क्या कर सकते हैं। आज कहते हैं भजन करो सद्बुद्धि रहेगी, भजन नहीं करोगे तो बुद्धि नष्ट होगी, अब बुद्धि नष्ट होगी तो पाप कर्म होने ही होने आपसे, चाहे आप जान में करो चाहे अनजान में करो। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं जो लगातार मेरा भजन करता हूँ उसी को सद्बुद्धि देता हूँ, तो जो भजन करेगा उसको सद्बुद्धि देंगे, जो भजन ही नहीं करेगा उसको सद्बुद्धि क्यों देंगे, तो उसकी तो माया बुद्धि हरण करती है, और माया बुद्धि हरण करती वो बेवकूफ़ी करेगा, पाप कर्म करेगा, और परिणाम उसका दुखी होएगा। तो जी नहीं समझता है, वो समझना भी नहीं चाहता है, और जब जूते पड़ते हैं तकलीफ़ आती तब रोता है, तब मैं क्या कर सकता हूँ। जीव का उद्धार प्रभु ने करना, मैंने किसी का नहीं करना है, मैं अपना उद्धार मेरा भी हरि नाम से होगा, तुम भी नाम जपोगे तुम्हारा उद्धार होगा, बाकी कोई कुछ किसी के लिए नहीं कर सकता, सब प्रभु ही करते हैं। हाँ, आपके बोलने से किसी ने कुछ कर दिया तो आपको श्रेय दे दिया प्रभु ने, वास्तव में जीव तभी बात मानता है जब प्रभु की कृपा होती है, नहीं तो वो आपकी बात भी नहीं मानेगा, ये भी मैंने देखा है। तो इन्होंने 10 सन्यासी को भेज दिया उसकी भक्ति की या त्याग की परीक्षा लेने के लिए। श्रीनिवास वॉज ग्लैड टू सी द सन्यासी एंड ऑफर देम ड्यू रिस्पेक्ट। श्रीनिवास बड़े प्रसन्न उन सन्यासियों के दर्शन करके और उन्होंने उन्हें आदर दिया। वी आर ऑल हंग्री द सन्यासी सर, कैन यू गिव अस समथिंग टू ईट, हम लोग सब भूखे हैं सन्यासी, क्या आप हमें भोजन करा सकते हो। इट इज़ माई गुड फॉर्चून दैट यू हैव कम, श्रीनिवास रिप्लाई। श्रीनिवास कहते हैं मेरा सौभाग्य है कि आप लोग सब यहाँ पे, संत का आना भक्त का आना मंगलकारी होता है, इसलिए भक्त की सेवा में आपका मंगल ही होएगा। तो ये कहते हैं क्योंकि भक्त इसलिए ये सोच रहे हैं कि आपका आना मेरा सौभाग्य है। दिस प्रसाद द प्रसाद ही रेडी सो प्लीज सिट डाउन एंड ईट इट, प्रसाद तैयार है आप ग्रहण कर लीजिए बैठ के। बट यू हैव ओनली अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ राइस, देसा कहते तेरे पास चावल तो थोड़े से ही हैं, हाउ विल यू फीड अस, आप हम सबका भोजन कैसे कराओगे। श्रीनिवास पर डू नॉट वरी योर हंगर विल बी एसेज्ड सिंपली बाय द पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड्स रेमिनेंट, कहते चिंता मत करिए आपका जो भूख है प्रभु की कृपा से निवारण हो जाएगी, क्योंकि प्रसाद में बहुत शक्ति है। और भी कोई चीज़ होती है बहुत लाओ 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 खाना, प्रसाद इतना भी तो बस ही पर्याप्त है, इंसान बोलता है पर्याप्त है,
उस पर कृपा शक्ति होती है। जो रियली शुद्ध भक्त होते हैं वो जब प्रभु को अर्पण करते हैं और जो उसका सेवन करता है उसको एक अलग अमृत जैसा स्वाद होता है और उसकी तृप्ति भी हो जाती है। क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, ना हम ईमानदारी से भजन करते हैं, ना हम अर्पण करते हैं ईमानदारी से, इसलिए हमको वो कृपा प्राप्त नहीं होती जो प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसा प्रभु जरूर ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रभु ने स्वयं चैतन्य भागवत में कहा कि 64 बालक करिए, एकला हरिनाम करिए, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे हाथ से भोग ग्रहण करो, मैं तुम्हारे से सेवा ग्रहण करो, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और जब आप करोगे तो देखिए कैसे कृपा होती है, और आपके घर से जो जो लोग प्रसाद का सेवन करेंगे वो भी भक्त बनते जाएंगे, क्योंकि आपका भजन अच्छा है, आप भगवान को भोग लगा रहे हो। भगवान ने कहा है कि 64 माला मैं ग्रहण करता हूँ तो उसका असर डेफिनेटली सब पे परिवार पे होता है, उनकी बुद्धि शुद्ध होनी शुद्ध धीरे धीरे आप भगवान की तरफ मुड़ना शुरू करते हैं। जब मेरा ही भजन कमज़ोर है, मैं भोग तो लगा रहा हूँ लेकिन वो ग्रहण हो नहीं रहा है, ना मेरी बुद्धि शुद्ध हो रही है, दूसरों की तो दूर की बात रही है। द सन्यासी सैट इन टू रोज एंड श्रीनिवास हैप्पीली सर्व्ड देम द प्रसाद। तो सन्यासी जो थे दो पंक्ति बना के बैठ गए और श्रीनिवास ने बड़ी खुशी से प्रसाद वितरण किया। एक्चुअली श्रीनिवास है कुक ओनली अबाउट अ हाफ अ किलोग्राम ऑफ राइस, बट 11 पीपल वर एबल टू ईट टू द फुल सेटिस्फैक्शन। श्रीनिवास केवल आधा किलो चावल ही बनाया था लेकिन 11 लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया तृप्त होके। When Vishnupriya heard about this incident from Ishan, जब विष्णुप्रिया ने ये घटना सुनी ईशान के माध्यम से, she understood that Lord Chaitanya's prediction had come true and she decided to meet the boy. उन्हें लगा कि महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है वो अब सत्य हो रही है और मुझे उस लड़के को मिलना है। That night when Vishnupriya accompanied by a maid servant went to bathe in the Ganges, उस रात को विष्णुप्रिया अपनी सेविकाओं के साथ गंगा जी में स्नान करने गई। शी सॉ द ब्यूटिफुल श्रीनिवास एंड फेल्ट ग्रेट हैप्पीनेस विद इन हिमसेल्फ। उन्होंने श्रीनिवास जी के दर्शन के जो बहुत सुंदर थे और उन्हें स्वयं बड़ी खुशी हुई, क्योंकि प्रभु के भक्त के दर्शन करने से ही जी को वास्तव में आनंद होता है, लाभ प्राप्त होती होती है। भक्त भक्त को देख के प्रसन्न होता है और दुष्ट भक्त को देख के चढ़ते हैं। दुष्ट राम नाम सुनते ही चढ़ जाते हैं, उन्हें नाम नहीं होता। इससे कहा जन्म जन्म मुंदी जतन कराई अंत राम कहीं आवत नहीं, यानी बड़ा मुश्किल है मुख से राम नाम निकलना। ये अरण्य काम की लाइन है, नहीं किष्किंधा काम की लाइन है कि प्रयास करके भी कोई गारंटी नहीं मुंह से राम नाम निकलेगा। कितना सर है, दो अक्षर है राम नाम। पाप की जब प्रबल होती है तब जाके हमारे मुख से राम नाम नहीं निकलता, या हमने बहुत भयानक अपराध किए होते हैं वैष्णवों के प्रति तभी मुख से राम नाम नहीं निकलता और ना नाम जपने की हमारी रुचि होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अपराध हमारे पाप खड़े हो गए हैं और हमको उसका भयानक फल सामने आने वाला है। अगर साधु संघ में आ जाता है तो साधु संघ कथा से उसके पाप कम होते हैं, जपने की रुचि बढ़ जाती है और उससे उसके सब कर्म खत्म भी हो जाते हैं। अगर वो ईमानदारी से भजन करे तो, अगर नहीं करेगा तो उसके कर्म नहीं खत्म होंगे, ये बात गारंटी है। तो दैट नाइट व्हेन विष्णुप्रिया अकंपनीड बाय अ मेड सर्वेंट वेंट टू बेद इन द गंगी, शी सॉ द ब्यूटिफुल श्रीनिवास एंड फेल्ट ग्रेट हैप्पीनेस विद इन हरसेल्फ। तो उस रात को जब विष्णुप्रिया अपनी सेविकाओं के साथ गंगा स्नान के लिए गई, उन्होंने सुंदर श्रीनिवास के दर्शन किए और बड़ी खुशी उसको अंदर। शी थॉट आई वॉन्ट टू स्पीक टू दिस बॉय बट आई डू नॉट नो हाउ टू अप्रोच हिम। मैं इस लड़के से बात करना चाहती हूँ लेकिन इसके पास कैसे जब मुझे समझ नहीं आती है। हाउ कैन आई लुक इन टू अ यंग मैंस फेस एंड स्पीक टू, मैं एक जवान लड़के के मुख को कैसे देखूं और उससे बातचीत करूं। इफ आई लॉर्ड गिव मी स्ट्रेंथ आई विल ओवरकम माई शाइनेस एंड नो दैट ही हैज माई लॉर्ड्स मर्सी। अगर प्रभु मुझे कृपा की शक्ति देते हैं, बल देते हैं, और क्या आएगा, मैं अपनी जो लज्जा का त्याग कर सकती हूँ और तब मैं समझ जाऊँगी कि भगवान ने कृपा की है।
इस लड़के पे भगवान की कृपा है, तब ये बात मेरे को समझ में आएगी। विष्णु प्रिया देन ऑर्डर ईशान टू समम श्रीनिवास सो दैट शी कुड आस्क हिम व्हाई ही वाज क्राइंग। विष्णु प्रिया ने ईशान को आज्ञा दी कि श्रीनिवास को लेके आइए और मैं जानना चाहता हूँ कि वो हमेशा क्यों रोता है। When Srinivas heard that he had been invited to Chaitanya Mahaprabhu house by Vishnu Priya, जब श्रीनिवास ने ये सूचना मिली सुनी कि मुझे महाप्रभु के घर में न्योता प्राप्त हुआ है वह भी विष्णु प्रिया जी के माध्यम से, he raised his arm and danced in ecstasy, उसने भुजा ऊपर करके नृत्य करना शुरू कर दिया। भाई हम हाथ ऊपर करके क्यों नृत्य करते हैं? जब इंसान पानी में डूब रहता है वो हाथ ऊपर करके नहीं बोलता मुझे बचाओ बचाओ चिल्लाता है, तो हम संसार के भव सागर में डूब रहे हैं, हम हाथ ऊपर करके बताते हैं हम असहाय है, हम तेरे प्रति शरणक प्रभु, हरि बोल बोलते ना कि तू ही मुझे इस भव सागर से तार, मेरे में बल नहीं क्षमता नहीं निकलने की, इसे हाथ ऊपर करके मैं तुझे हरि बोल करके बोल रहा हूँ कि प्रभु मुझे निकाल भव सागर से। ये हाथ ऊपर करने का अभिप्राय होता है, ये नहीं कि कोई फैशन है कोई तमाशा करे हाथ ऊपर करे, नहीं, उसके पीछे ये अर्थ होता है। कोई भी इंसान जब पानी में डूबेगा सबसे पहले हाथ ऊपर करेगा और चिल्लाएगा मेरी रक्षा करो, तो हम हरि बोल हरे कृष्ण हाथ ऊपर के क्यों चिल्लाते हैं कि प्रभु मुझे भवसागर से निकाल, मैं डूब रहा हूँ संसार के भवसागर में, तू ही निकाल सकता, मेरे में ताकत नहीं है निकलने की, ना मेरे को तैरना आता है, तैरना भी मेरे असंभव है संसार के अंदर, तेरी बल से तेरी कृपा से मैं निकलूंगा, और प्रभु ही हमें निकालते हैं। लेटर व्हेन ही अराइव्ड एट द लॉर्ड्स होम ही वॉज शिवरिंग विद एक्सेसी, फिर वो जब प्रभु के घर आए तो वो कांप रहे थे भाव के कारण। हिज एक्सटेटिक सिम्टम वॉज सो इंटेंस दैट ही फाउंड हिमसेल्फ अनएबल टू एंटर द हाउस एंड सो रिमेन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम इट, तो उसके अंदर भाव इतने ज़्यादा आ रहे थे, सात्विकार क्या होता है, अश्रु बहाना, कंपन होना, पसीना आना, बाल खड़े होना, ये सब सात्विकार होते हैं जो प्रेम की अवस्था में होते हैं, तो इतने ज़्यादा थे कि वो घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सका क्योंकि उस भाव प्रेम में डूबा हुआ था, उसको होश ही नहीं इस बात की, और वो कुछ दूरी पे खड़ा रहा। ईशान देन इन्फॉर्म विष्णु प्रिया, ईशान ने विष्णु प्रिया को आज्ञा दी, ओ देवी हियर इज श्रीनिवास, तो क्या कहा देवी ये श्रीनिवास है, ही इज अ सर्वेंट एंड इज ऑफरिंग ऑब्सेंसेस टू यू, ये आपका सेवक है और आपको प्रणाम कर रहा है। विष्णु प्रिया रिमूव्ड हर वेल एंड लुक्ड एट श्रीनिवास वे, विष्णु प्रिया ने अपने घूंघट को हटाया और उसके मुख की ओर देख रही हैं। When she did so, she immediately understood that a person standing before her was empowered by her beloved Lord. तो जब उसने उसके दर्शन किए वो समझ गई कि ये मेरे प्रभु महाचैतन्य महाप्रभु की कृपा शक्ति का संचार इसके अंदर है, ये कृपा का पात्र है, ये आम जीव नहीं है, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों के अंदर ही कृपा शक्ति का संचार करते हैं, वो हरे को नहीं देंगे, जो भजन करेगा उसको ही कृपा मिलेगी, उसके हाथ से बड़े बड़े काम होंगे उसी को यश मिलेगा, और जो नहीं करेगा उसके हाथ से मूर्खता वाले काम होंगे, गलतियां होंगी और उसको अपयश मिलता है, क्योंकि माया बुद्धि हरण करती है। Seeing setting aside her shyness, she called for Srinivas and asked him why he was always crying and why he was always wandering about alone. उसने अपने श्रीनिवास को बुलाया, अपनी लज्जा का त्याग किया और उसे पूछा वो क्यों निरंतर रोता रहता है और क्यों वो अकेला ही घूमता है। In reply, Srinivas told her what Pandit Goswami ordered. तो श्रीनिवास ने बताया कि पंडित गोस्वामी मुझे क्या कहा था। He also informed her how Chaitanya Mahaprabhu had ordered him to go to Vrindavan, although he had not yet been able to do so. और ये भी बताया कि महाप्रभु मुझे आज्ञा दी थी कि वृंदावन जाना और मैं अभी तक जा नहीं सका, यानी इच्छा कहती कि गदाधर पंडित से भागवत सीखना और मैं सीख नहीं पाया,
और दूसरी चीज महाप्रभु ने आज्ञा दी कि वृंदावन जाइए, मैं उधर भी नहीं जा पाया अभी भी। ओ माय चाइल्ड यू आर स्टिल यंग, ओ मेरे बच्चे तू अभी भी बहुत जवान है। विष्णु प्रिय से विष्णु प्रिय ने कहा इट इज़ टू अर्ली फॉर यू टू रिनाउंस योर फैमिली, ये बहुत छोटी उम्र है, तू घर का त्याग करके जा रहा है, तेरे लिए ये उचित नहीं है क्योंकि उम्र तेरी बहुत छोटी है। आई थिंक यू शुड गो होम, मुझे लगता है तुझे घर जाना चाहिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिकम अब्सॉर्ब टू बिकम डिटैच फ्रॉम मटीरियल लाइफ, संसार के प्रलोभन से विरक्ति उत्पन्न होना आसान नहीं है, और जब इंसान जवान होता है तो वो उसको संसार का प्रलोभन खींचता ही खींचता है, किधर ना किधर वो अटकता ही अटकता है। हाँ, जिसके अंदर पूर्व जन्म के संस्कार है या भजनानंदी है या प्रभु के कृपा का पात्र है उसको संसार नहीं खींच सकता। जो प्रेमी है, भक्त है, कृपा का पात्र है, जिसका भजन प्रबल है, वो वही बचेगा। ये गुण प्रभु के कृपा से आते हैं, साधन से नहीं। साधन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन साधन जीवन पर्याप्ति, साधन के साथ कृपा भी चाहिए होती है। हमारे प्रभु ने, राम जी ने जब पुल बांधा था तो सभी जलचर जीव बाहर आ गए थे और प्रभु के दर्शन करने के लिए, तो जितने वानर थे तो प्रभु खड़े हो गए उस पुल पे, तो सारे जलचर जीव बाहर आ गए दर्शन करने के लिए, तो सारे वानर थे उन जलचर जीवों पे चढ़ के उस पार चले गए, पल भर में चले गए। तो पूछे प्रभु से, प्रभु अगर आपने यही सब करना था तो हमसे इतनी मेहनत क्यों कराई, पत्थर मंगाए, पुल क्यों बनवाया? प्रभु ने कहा एक चीज़ बताओ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? कहता हमारे बनाए पुल पे। तुमने पुरुषार्थ का पुल बनाया और पुरुषार्थ के आधार पे मैंने कृपा की है। केवल पुरुषार्थ पर्याप्त है जीवन में? कृपा भी चाहिए होती है। अगर केवल वही पुल पे पार, कई साल लग जाते उस पार करने के लिए सबको, क्योंकि कितने वानर थे। शंकर जी कहते हैं जो उनको गिद्धा चाहे मामूरक है ना, तो शंकर जी स्वयं कहते हैं कोई गिनने से इतने थे तो उस पार, लेकिन तुम पर पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन साथ पे भगवान की कृपा होनी बहुत जरूरी है। कृपा से सब चीज आसान हो जाता है, इसलिए कृपा जरूर के लिए हमको याचना करनी चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ के बगैर कृपा भी नहीं मिलेगी। मैं कुछ ना करूं मुझे कृपा मिले, असंभव। जो आपकी क्षमता है, जितनी क्षमता, तुम कृपा तो करो और देखो फिर रास्ते कैसे बनते हैं। प्रभु आपके हृदय की स्थिति के अनुसार वैसी व्यवस्था कर देते हैं, कैसी कि आप भजन करना चाहते हो, आपसे भजन होएगा, खूब भजन होएगा, और ज़्यादा भजन होएगा, क्योंकि जो आप कहते हैं समय नहीं मिल रहा, आप पहले लालसा तो दिखाइए कैसे करेंगे, आपकी नौकरी की वैसी हो जाएगी, वो स्थिति में ले आएंगे आपको जहाँ पे समय समय मिलेगा, या ऐसी बाहर की पोस्टिंग देंगे, बाहर जाइए फील्ड वर्क पर आपका भजन अच्छा हो जाता है, यानी या तो कम समय में आपको अच्छा बिजनेस मिल जाएगा, इतनी मेहनत करके भी जो नहीं मिल पा रहा, कम मेहनत पे आपको बिजनेस मिलेगा। प्रभु कहते मैं तेरे को बिजनेस सब देने को तैयार हूँ, अगर तू ईमानदारी से मेरा भजन करेगा तो मैं तेरी रोटी का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, तो ईमानदारी से मेरा भजन कर, मैं तेरे समय भी निकाल के देता हूँ, तेरे को इतना बिजनेस ही मैं तक दो घंटे में दूंगा, जो तो 20 घंटे में भी नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन बाकी समय ईमानदारी से मेरा भजन कर। प्रभु ही खिलाते हैं, वही भरण करते हैं, पोषण करते हैं, सब वही करते हैं। उनको विश्वास होना चाहिए और उनके नाम की सेवा करिए, देखिए आपको कैसे कृपा मिलती है। सिर्फ आप सेवा करके देखें नाम की, आप देखें क्या है, जो मिलना हरि नाम से ही मिलना है, लेकिन जीव साधु संग नहीं करता, उसको निष्ठा नहीं होती, इससे वो नाम जपता नहीं, इससे वो विचलित हो जाता है। अगर बगैर विश्वास के नाम भी कृपा नहीं करता, क्यों? जब आप अन्य साधनों का आश्रय ले रहे हो तो नाम की कृपा कहाँ से होगी? अगर जब तुम मेरे पर निर्भर हो, पूर्ण रूप से मेरे पे विश्वास करो, तो मैं पूर्ण कृपा करूँगा। तो जो कथा साधु संग चाहिए नाम में निष्ठा उत्पन्न करने के लिए, और नाम की सेवा करनी पड़ेगी आपको, नाम का प्रभाव देखने के लिए। जब नाम की सेवा करो, नाम जपोगे, जब आप देखोगे प्रभाव हो रहा है, थोड़े भजन से इतना लाभ हो रहा है, तो आपकी निष्ठा और बढ़ेगी। साधु संग और भजन से निष्ठा बढ़ती है, अनुभूति होती है, तब इंसान कहता हाँ नाम ही सब कुछ है, नाम को अब मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। लेकिन ये दोनों आपको करने पड़ेंगे, साधु संग, ताकि प्रेरणा मिलती रहे, बुद्धि संतुलित रहे,
क्योंकि बुद्धि बिगड़ते देर नहीं लगती, संतुलित रहने के लिए कथा चाहिए और नाम जप की सेवा, और नाम जप से हर चीज़ सही जगह पर बैठनी शुरू हो जाती है। जो चीज़ आप समझाते थे कोई समझता था, प्रयास करने पर नहीं समझता था, ले वही चीज़ नाम जपने से अपने आप देखोगे कैसे सही बैठनी शुरू होती। आप सोच भी नहीं सकोगे अरे ऐसे कैसे हो रहा, अचानक हो रहा। तो वो ये कहते हैं कि भी आसान नहीं है, तुम घर जाइए, ये भी परीक्षा ली जा रही है। अब ये देखते हैं कि इसमें दृढ़ता कितनी है। देखो इस प्रकार के आश्वासन सब लोग देंगे। जब पत्नियां जब कृष्ण के पास गई थी, कृष्ण जी ने पूछा तुम मेरे दर्शन करने क्यों आए, उन्हें कहा कि तेरे पास आए मेरे दर्शन किए, सब कुछ किया, तुम्हें घर में सब ठीक तो है, कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम लौट जाइयो और घर जाके मेरा चिंतन करो, मेरे पास रहने मेरे करीब रहने का लक्षण नहीं होता, घर जाके मेरा चिंतन करिए, आप लौट जाइए। और वो तुरंत लौट गए क्योंकि उनकी इच्छा थी, इससे लौट गए। जब गोपियाँ जाती हैं उनके सब यही भाषा बोली जाती है, लौट जाइए, कहते हम आपको प्राप्त करके संसार में क्यों जाए। जब जीव भगवान को प्राप्त करके और संसार में जाता है, क्या हम सब कुछ तेरे लिए छोड़ के आई है, हम तेरे को छोड़ के जाए। उन्हें दृढ़ता दिखाई, इसलिए उनको रास में प्राप्ति का सौभाग्य मिला और जगपतियों को नहीं मिला, क्योंकि प्रभु देख रहे कितनी दृढ़ता है। तुम उन्हें प्रभु ने कहा लौट जाए, तुम लौट गए। अरे तुम दृढ़ता तो दिखाते प्रभु, मैं आपके मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपकी सेवा करने आया, मैं आपको प्रसन्न करने आया हूँ। इसे महाप्रभु भी भाई विष्णु प्रभी ही तो बोल रही है तुम लौट जाइए, तुम उम्र छोटी है, तुम जाओ ये वो। तो हम जैसे तो हाँ उन्होंने कहा वो तो महाप्रभु की पत्नी ने बोला घर है तो मुझे जाना चाहिए। अगर तुम दृढ़ता दिखा देते हो कि अपनी निष्ठा दिखा देते हो भजन पे, तो आपको कृपा पूर्ण मिल जाएगी। इससे जीव विचलित हो जाता, ये बात समझता नहीं है, ये दुर्भाग्य उसका। इसलिए जब साधु संग करेगा, कथा में बैठेगा, ये सारे प्रसंग उठेंगे, तो उसको समझ में आएगी कि किसी ने कह दिया संत गुरु ने हरि नाम अभी क्यों लेना, क्या भाई आराम से 5 साल लेना, 4 साल अभी मजे करो। महाराज ने कह दिया अभी मतलब बाद में लो, मुझे क्या जरूरत है। इसका मतलब कि वो चाहते तुम्हें लेना, वो तेरी दृढ़ता देखना चाहते थे कि तुम दृढ़ होके नहीं हो, तुम दृढ़ नहीं, तुम लेना नहीं चाहते, तुम्हें बहाना मिल गया, तुमने नहीं लिया। और बाकी बोलता नहीं लेना, मैंने सत्संग में सुना है लाइफ का भरोसा नहीं है, क्षण भंगुर शरीर है, कभी भी छोड़ सकता है, बगैर भजन करे तो उसको तुरंत कृपा मिल जाती है। तो वही बात है कि शब्दों पे के जाल फेंका जाता है देखने के लिए जीव की दृढ़ता को, और जिसको नहीं करना था उसके लिए बहाने बन जाते हैं, और जिसको कहा वो जिद करता है मुझे चाहिए मैं नहीं जाऊँगा, और उसको तुरंत कृपा मिल जाती है। तो भजन में भी ऐसे ही प्रॉब्लम, स्वयं कृष्ण कह रहे तुम लौट जाओ, वो लौटी और गोपियाँ क्यों नहीं लौटी, उन्हें भी तो कृष्ण ने कहा था हम नहीं जाएंगे, तो कृपा मिली उनको, उनको रास में प्रवेश मिला, उनको बाकी यज्ञपतियों को नहीं मिला। तो क्योंकि भगवान ने कहा था, भगवान भी परीक्षा ले रहे थे कि देखने के लिए ये कितनी दृढ़ है, कितना मेरे में प्रेम है। इसलिए मैं भजन नहीं छोड़ूंगा कोई भी परिस्थिति में, कोई भी स्थिति में, चाहे जीवन में अनुकूलता आए चाहे प्रतिकूलता आए, मैं प्रभु से प्रेम करूंगा, उनकी जो इच्छा जैसी इच्छा मुझे रखे मैं उनकी सेवा नहीं छोड़ सकता हूँ। ये भाव हमारे अंदर होनी चाहिए, तब आपको कृपा प्राप्त होगी, तब जाके आप भगवत धाम के अधिकारी होगे। नहीं तो छोड़ो यार, क्या तो मैं संसार ची मैं संसार दे देता हूँ, जी उसी में फंस जाता है। अब ये कृपा है, संसार मिलना कृपा नहीं, भजन बढ़ना कृपा है, भगवान में आसक्ति बढ़ना कृपा है, कथा में रुचि होना कृपा है, नाम में रुचि होना कृपा है, ना कि उसका वो छूटना। अगर वो छूट रहा है तो कृपा हट रही है, आपसे गलतियां होने वाली है और आपको आगे चल के जूते पड़ने वाले हैं। माँ यही तो करती दिखाती है, सुख है सुख है सुख है, सुख के करीब ले आती है और जैसे सुख करीब है वो चीज़ छीन लेती है। और बोलता क्या मिलते मिलते चीज हाथ से चले गई, पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, अचानक हो गया, क्योंकि वो जूते इसलिए मारती है कि इस संसार में सुख नहीं है, मैं देखना चाहती थी कि तू क्या कितनी दूर जाना चाहता है। अब जब माया तो भगवान की शक्ति है, वो बुरा तो नहीं करेगी, वो आपका मंगल, वो जूते मारेगी, फिर बाद में कुछ समय फिर दिखाएगी सुख है, फिर आगे और दूसरी बार चाटे और जोर के पड़ेंगे, तीसरी बार इतने जोर के पड़ते हैं इंसान बोलता मैं भजन नहीं करूँगा, वो यही तो मैं चाहती थी, क्योंकि तुम ईमानदारी से आने वाले में से ही तो मैं चाटे मार मार के लाई तुम्हें,
वो बच्चे वाली आता है, 16 मार करता दर्द ठीक हो जाती है, छोड़ता माँ फिर दर्द शुरू होती है। वही बात है, चाटे मार मार के करा रहे हैं हम उसे भजन। और सत्य यही है, प्रभु हमसे यही कर वही करवा रहे हैं हम। ना आप मेरे बोलने पे करो, ना कोई मेरी बात कोई सुन रहा है, क्योंकि आपको मजबूरी है, तकलीफ है। भगवान ने आपको स्थिति में खड़ी कर दिया है कि आपको भजन करना पड़ता है। आप बढ़ा रहे हो क्योंकि आपको स्वतः से लाभ होता है, और जब आप भजन बढ़ाते हो करते हो तो आपको लाभ होता है। फिर बोलता है आपने बोला, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, आपने सुनी क्यों नहीं। जब तकलीफ भगवान ने परिस्थिति खड़ी की तब तुमने बढ़ाया ना, तब भजन भगवान ही कराते हैं, जीव नहीं कराता। इसे जीव अहंकार ना पाले, और मैं नहीं होता तो कौन भजन कराता, मैं नहीं होता तो कौन कराता। प्रभु को कराना किसके माध्यम से भी करा देंगे, किसी के अंदर भी अपनी कृपा शक्ति का संचार करके करा देंगे। तो ये बात समझने भी कई साल लग जा गए मेरे को, ये तो हमको भी लगता है। हम देखो किसी को बोलते हैं वो भजन करता है, बाद में भी समझ में आई। देखो ये देखो, जैसे जैसे हरिनाम बढ़ेगा ना, अंतकरण की शुद्धि होगी, और कई चीज़ें आपको धीरे धीरे बहुत समय पर समझ में आती है कि वास्तविकता क्या होती है। और तब दीनता आती, जब दिखता कि तुम कुछ नहीं हो, तुम जीरो हो, सब कुछ भगवान ही करे, तब तुम्हारे ना दीनता आती, तब तक तो हाँ वास्तव में क्या हूँ। तो अहंकार, देख मैं नहीं होता कौन का, मैंने से भजन कराया, मैंने से कथा की, मैंने इतनी कलेक्शन की, मैंने इतने सेंटर खोले, मैंने वो खोले, कुछ नहीं है। भगवान की कृपा थी तुम्हें सफलता हुई, तुम अहंकार पाल रहे हो वो कृपा हट जाएगी। तुम दूसरों को अच्छो तो अपने आप को बचा लो, वो भी बहुत बड़ी बात है। तुम अपने आप को भी नहीं बचा पाओगे, तुम क्या दूसरे को बचाओगे। तुमने अहंकार जो पाल लिया, इसलिए कभी भी अहंकार मत पालिए, निरंतर नाम जप करिए और प्रभु की कृपा मानते हुए चलिए तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने यहाँ पे भी वही चीज बात कही है। श्रीनिवास फोल्डेड इज हैंड एंड प्रेड, श्रीनिवास हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, ओ मदर प्लीज अलाउ मी टू स्टे हर एंड सर्व योर लोटस फीट, माँ मुझे अपने पास रख और अपने चरणों की सेवा का सौभाग्य दे, ओनली देन विल माई लाइफ बी सक्सेसफुल एंड आई एल बी सेफ फ्रॉम ऑल डेंजर। तो ही मेरा जीवन सफल होएगा और मैं सब विपत्तियों से बच जाऊँगा, क्योंकि महाप्रभु की कृपा शक्ति थी वो। तो I have no one in this world except my mother. Now my only desire is to go to Vrindavan. मेरा दुनिया में कोई नहीं मेरी माँ के अलावा, और मैं अब वृंदावन जाना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान सब कुछ आपसे दूर करते हैं, क्यों? क्योंकि तुम मेरे पर निर्भर हो जाओ। ये तो नहीं मेरा दोस्त है, मेरे पिता है, मेरे माँ है, मेरा भाई है, मेरा ये रिश्तेदार है, हम उन पर निर्भर होते ना। हमको सबसे धोखे मिलते रहते हैं, सबसे जूते पड़ते हैं हमको, क्यों? ये भगवान की बड़ी कृपा है, ये दुर्भाग्य नहीं है। तो मेरे पे निर्भर हो, मैं तेरे को बचाऊंगा, मैं तेरा सब कुछ हूँ। और ये विपत्ति स्थिति नहीं आती ना आपके ऊपर, आप भजन पे कोई भी आती, जो भी इंसान भजन पे ना अपनी घोर विपत्ति की स्थिति में ही आया, खुशी से ईमानदारी से कोई भी आ सकती है। एक % बंदा ऐसा नहीं होगा, या आधा % या पॉइंट कोई होगा, जैसे ये श्रीनिवास टाइप पहुँचेंगे या नरोत्तम दास ठाकुर जो भगवान की कृपा के पात्र होंगे जो आएंगे। 99% लोग जो आए अपनी विपत्ति या मजबूरी में आए, ये बाद में प्रेम उत्पन्न हो गया वो बात अलग है, आदत पड़ गया अलग बात है, लेकिन आए तो मजबूरी में ही आए हैं। और ये भगवान की बड़ी जबरदस्त कृपा है कि हमें सब तरह से असहाय बना दिया, जूते पड़वा दिए, तब तुम मेरे पे निर्भर हो, मेरे अलावा और तेरा कोई नहीं है। जब तुम मेरे पे निर्भर होगा, अब देख पूरा पासा मैं पलटता हूँ, पूरा मंद प्रारंभ आपका सौभाग्य में परिवर्तित होता है। उधर ज्योतिष शास्त्र भी फेल होता है, जो भाग्य में नहीं लिखा वो भी नाम देता है, सिर्फ नाम की सेवा करिए, आप देखिए आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। जो नहीं लिखा वो भी मिलना शुरू होगा, नाम सबको दे सकता है, सिर्फ हमको नाम पे निष्ठा से नाम की सेवा करनी चाहिए। ये मत सोचो कि सबने किया, ये जो हुआ है मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है, नहीं तो पेपर समय का था, और कहीं कोई रिश्ता बुला रहे, कभी कोई दोस्त आ रहे घर में, सब मेरे को बुला रहे, दुनिया भर की बातें करें, ये सब चोर डाकू तो है, जो भजन नहीं कर रहे तुम्हें कर नहीं देते, तुम्हारे समय का अपहरण करके जा रहे हैं, रिश्तेदार बन के आ रहे, दोस्त बन के आ रहे, चोर डाकू तो है और क्या है। कोई भक्त है कि आपको कथा सुनाने आ रहे या कथा सुनने आ रहे हैं, जो भक्त होते हैं तो वो कथा सुनते या सुनाते हैं। तो अच्छा कि सब चोर डाकू से प्रभु ने दूर कर दिया आपको,
तो अब आपको खुद समय भजन करने का, पहले कहते समय नहीं मिलता, प्रभु कहते तेरी इच्छा मैं समय लाता हूँ, चिंता क्यों करता है, सबको तेरे से दूर कर देता हूँ, खूब जूते मार के करता दूर, प्रतिकूलता खड़ी करता हूँ तेरे जीवन में, और ऐसी प्रतिकूलता आएगी सब छिनता जाएगा। जब लोग आते प्रतिकूल में कौन आता, आपकी शक्ल नहीं को देखना चाहता, फ़ोन सबके स्विच ऑफ हो जाते हैं, फ़ोन भी कोई नहीं उठाता, कहते फ़ोन ही नहीं आया, नहीं तो आपको फ़ोन करके बुलाएगा, फिर घर में आ जाते हैं, तब कोई आता भी नहीं है। कितनी ज़बरदस्त कृपा भगवान की चल रही है जीव को अपने पास लाने की, अपने ऊपर निर्भर करने की, कितनी भयंकर कृपा चल रही है, ये कथा भी हमें समझ में आती है। आम इंसान अपनी संसार की दृष्टि से नहीं देख सकता, ये प्रभु की कृपा से ही देखी जाती है, ये संत दिखाते हैं, प्रभु की कृपा दिखाती है सत्य क्या है। मैंने कहा ना, कथा स्थिति नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। जिस स्थिति में आप दुख की अनुभूति करते थे, उसी में सुख की अनुभूति कर दो, अपार कृपा देख रहे हो कि प्रभु कितनी कृपा मेरे पे चल रही है। नाउ माई ओनली डिजायर इज टू गो टू वृंदावन, बट आई नो दैट सच अ जर्नी इज नॉट पॉसिबल विदाउट चैतन्य महाप्रभु मर्सी। मेरी इच्छा वृंदावन जाने की, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा बगैर मैं नहीं जा सकता, यानी भगवान की या उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से ही जीव ब्रज में जा सकता है। अगर ब्रज जाने की इच्छा आई है, यानी कि आपके अंदर इच्छा, इसलिए राधा रानी ने याद किया है आपको, तभी आपके अंदर इच्छा है ब्रज जाने की। अगर राधा रानी नहीं याद करती तो आपके अंदर कभी ब्रज जाने की इच्छा जागरती होती थी, और आप जा रहे हो ब्रज में तो वो राधा रानी की कृपा से जा रहे हो, कृष्ण की कृपा से भी नहीं, राधा रानी की कृपा से जा रहे हो। राधा रानी तो ब्रज, इसलिए ये बात ध्यान रखना कि अगर जाना है तो केवल कृपा की आवश्यकता है। और राधा रानी कैसे प्रसन्न होती है, आप देखो कि हनुमान जी सीता जो कैसे प्राप्त किया राम नाम से, वृष भानु को और कीर्तिर को राधा रानी कैसे प्राप्त हुई हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से। तो बाकी नाम से ही भक्ति मिलती है, और भक्ति से ही हमें भगवान प्राप्त होते थे। भगवान का नाम भगवान की प्राप्ति नहीं कराता, भगवान का नाम भक्ति की प्राप्ति कराता है, और भक्ति हमें भगवान को वशीभूत कराती है। तो नाम भक्ति, हनुमान जी राम नाम के भक्त सीता तक पहुँचे, वृष भानु और कीर्तिदा ने हरे कृष्ण का जाप किया, और राधा रानी प्रकट हुई है। तो नाम आपे कृष्ण जी आए वृष भानु को दर्शन देने के लिए रावल में, वो नहीं गए, वो आए दर्शन देने के लिए। और सीता जी कृपाई तो राम जी की भी अपार कृपा मिल गई। विष्णुप्रिया रिप्लाइड, यू शुड गो टू वृंदावन व्हेन यू आर मैच्योर। तो विष्णुप्रिया कहते हैं तुम्हें वृंदावन जब जाना चाहिए, जब तुम थोड़े और परिपक्व हो जाओगे, थोड़े और बड़े हो जाओगे। श्रीनिवास स्पेंड द नाइट क्राइंग एंड कॉलिंग आउट फॉर द पंडित गोस्वामी। तो श्रीनिवास रोते रहे पूरी रात और पंडित गोस्वामी को बुलाते रहे। श्रीनिवास फीलिंग ऑफ सेपरेशन इंटेंसीफाइड, उनका विरह और बढ़ गया। विष्णुप्रिया ओम फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर गौरांग। तो कहते हैं श्रीनिवास फीलिंग ऑफ सेपरेशन इंटेंसीफाई, विष्णुप्रिया ओम फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर गौरांग। तो जैसे ही उनका विरह उत्पन्न हुआ, इनके विरह के कारण विष्णुप्रिया का विरह महाप्रभु के प्रति और बढ़ गया। हर डिस्टर्स डबल एज शी रिमेम्बर्ड हर लॉर्ड, उनका दुख दो गुना बढ़ गया जैसे उन्हें प्रभु की याद आई। दुख किस बात का होना चाहिए, प्रभु के ना मिलने का, प्रभु के दर्शन ना होने का, प्रभु की सेवा ना प्राप्त करने का, इस बात का दुख होना चाहिए। और हमारा दुख क्या होता है, संसारी वस्तुओं को लेके, रिश्तेदारों को लेके, दोस्तों को लेके, संसारिक वस्तुओं को लेके, जो टोटल यूजलेस चीजें हैं, जो किसी काम के दोस्त रिश्तेदार हमारे नहीं है, उसको लेके हम दुखी होते। काश प्रभु को लेके दुखी होते, उसका प्रेम नहीं मिल रहा, उसकी सेवा नहीं मिल रही, तो वो दुख की सार्थकता है। और हमारा दुख व्यर्थ की बेकार चीज़ों के लिए हम दुखी होते हैं, जो कोई दुख करने के लायक ही नहीं है। प्रभु के लिए कोई दुखी नहीं होता, उसका प्रेम नहीं मिल रहा है, उसका भजन नहीं बढ़ रहा है, उसकी आसक्ति नहीं बढ़ी, उसके लिए कोई दुखी नहीं हो रहा। ओ रीडर्स प्लीज नाउ हियर हाउ विष्णुप्रिया देवी चैंटेड। पाठ को सुनिए, अब विष्णुप्रिया देवी किस प्रकार जप करती थी। If you hear this, you will realize the Supreme Lord Transcendental Pastimes. अगर आप इसको सुन लोगे
तो तुम्हें क्या होगा, तुम अनुभूति करोगे भगवान की दिव्य लीलों की। विष्णु प्रिया रेगुलरली अरेंज फॉर टू न्यू क्ले पॉट्स टू बी ब्रॉट टू हर। विष्णु प्रिया रोज क्या करती, दो मटके ले आती थी अपने पास। वन आर डैम वॉज एम्प्टी एंड द अदर वॉज फिल्ड विद रॉ राइस। एक मटका खाली होता था और एक मटके में चावल भरा होता था। शी वुड चैंट द कंप्लीट महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देन पिक अप वन ग्रेन ऑफ राइस एंड पुट इट इनटू द एम्प्टी क्ले पॉट। वो क्या करती, पूरा महामंत्र बोलती और एक दाना उठाती और खाली मटके में डालती। फिर महामंत्र पूरा बोलती है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, और दूसरा दाना डालती। इन दिस वे शी वुड चैंट फॉर अबाउट 9 hours एंड देन गो एंड कुक वट एवर आई शी हैड कलेक्टेड। इस प्रकार 9 घंटे वो जप करती, जितने भी चावल उसके अंदर आए 9 घंटे में उसी को वो रूसी की रसोई बनाती। आफ्टर कुकिंग शी वुड ऑफर द राइस टू हर लॉर्ड बाय शेडिंग टीयर्स ऑफ एक्स्टेटिक लव। वो रसोई बनाने के बाद वो चावल अपने महाप्रभु को अर्पण करती और उनके आँखों में भाव प्रेम के अश्रु होते। शी चैंटेड द लॉर्ड्स नेम डे एंड नाइट। वो प्रभु का नाम रात दिन जप करती। चैंटिंग वॉज हर ओनली ड्यूटी, केवल जाप करना ही उसका कर्तव्य है। इनफैक्ट हम सबका कर्तव्य केवल जाप करना ही है, हमारा और कोई कर्तव्य नहीं इसके प्रति, सोसाइटी के प्रति, फैमिली के प्रति। तुम रहो या न हो, तुम कल मर जाओगे तो भी दुनिया चलेगी, फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों के घर में मृत्यु के उनके संसार किसी का रुका, आज तक किसी का रुका नहीं। तो हम से सोचते हैं मैं नहीं होएगा तो क्या होएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे खूब जाप करिए, यही हमारा कर्तव्य है। और भव सागर से निकल के भगवत धाम में जाइए, यही हमारा कर्तव्य, कोई हमारा दूसरा कर्तव्य नहीं है। लेकिन जीव इस कर्तव्य को भूल के वो दोस्तों के पास जाना, रिश्तेदारों के पास जाना, उसके पास जाना, गप्पे लगानी, उसके पास जाना, फालतू बातें करनी है, पूरा जिंदगी बर्बाद चली गई है। और मिला के लास्ट में दुख, उसने मुँह चढ़ा लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, वो नाराज हो गया। तो किसने कहा था दुनिया को खुश करने के लिए, भगवान को खुश किया होता, सारे देवी देवता ऋषि मुनि कृपा करने को दौड़ते, सारे ऋषि मुनि देवी देवता कृपा करने को दौड़ते, वो हमने किया नहीं। कि कहाँ से कृपा मिलेगी मुझे बताओ। नो वन कैन फुली अंडरस्टैंड हर एग्जॉल्टेड कैरेक्टर। उसके स्वभाव को कोई जान नहीं सकता पूर्ण तरीके से। दिस इज नॉट एन ऑल सरप्राइजिंग बिकॉज शी इज द कंसर्ट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। ये आश्चर्य की बात है क्योंकि महाप्रभु की शक्ति है, उनकी पत्नी है, उनकी शक्ति है, तो वो भी तो नाम का ही तो प्रचार करेगी जो महाप्रभु ने किया है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन हु हैज डेवलप एन इंटेंस अटैचमेंट फॉर चैंटिंग हरिज लॉर्ड नेम, हरिज होली नेम। कहते हैं संसार में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है उस मनुष्य के लिए जिसकी आसक्ति भगवान नाम के प्रति हो चुकी है, उसे कोई चीज़ सब। क्योंकि 64 माला का मतलब कि हमारे कृष्ण के अंदर 64 गुण है, वो 64 के 64 गुण आपके अंदर आएंगे, इसलिए 64 का फिगर होता है। उससे कम करोगे तो गुण कहाँ से आएंगे, 64 में 64 गुण हमको अपने अंदर लाने हैं। भगवान के गुण ही भक्तों के अंदर आते हैं जब वो उसकी उपासना करते हैं। अगर 10 माला करोगे तो 10 गुण आएंगे, बाकी 54 गुण आपके नहीं मिलेंगे आपको, 20 तो 20 गुण वो भी अल्प मात्रा में आते हैं। फिर आप बोलते हैं यार अवगुण बहुत है, गुण हार्डी मेरे अंदर है, तो तुम्हारा भजन कमजोर तो कहाँ से गुण आएंगे। तुम भजन का स्तर बढ़ाइए ना, देखो कैसे गुण नहीं आते तुम्हारे अंदर। 64 माला के 64 गुण आपके अंदर आएंगे ही आएंगे, और अधिक करोगे तो अच्छा ही है, लेकिन कम से कम इतना तो करिए।
because the Supreme Lord has invested all his energy in his name. तो कहते हैं क्योंकि कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान ने अपनी पूर्ण शक्ति अपने नाम के अंदर प्रदान किया, विराजमान किया है। इसलिए जो भक्त नाम का आश्रय लेते हैं वो इतने महान हो जाते हैं, उनके हाथ से इतने बड़े बड़े काम होते हैं कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे हाथ से ये काम हो सकेंगे या कर सकते हैं। जब प्रभु, जब हनुमान जी के समय आप देखोगे, एक संत ने, देखो एक राजा था, हाँ, उसने सबको प्रणाम किया, नारद जी कहने पे केवल विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया तो विश्वामित्र क्रोध आ गया, अहम जागृत हो गया, मेरा तिरस्कार किया गया। उन्होंने जाके शिकायत कर दी राम जी से, उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। राम जी मान देखो कि संत ने बोला मैं दे दूंगा मृत्यु दंड। जब उस राजा को पता चला वो घबरा गया कि प्रभु का बाण कौन सामना कर सकता है। नारद जी ने कहा कि हनुमान जी की माता अंजना के पास जा, उसकी शरण ले। अंजना माता के पास गए, हनुमान जी की माता, तो उसके शरण लिया, माँ मेरी रक्षा करनी है, रक्षा करनी है। माँ ने आश्वासन दिया, बोला क्या बात है, तब उसने सारी बात बताई। तो माँ घबरा गई, क्या बोल दिया तूने, मैंने तो वचन दिया है तो मैं रक्षा करूँगी करूँगी। हनुमान जी आते हैं माँ को मिलने के लिए शाम के समय। माँ कहते हैं मुझे वचन देना तेरे को, मेरे काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा भा माँ तेरी बात मानूंगा, उसे वचन दिया माँ को मैं तेरी बात मानूंगा, टालूंगा नहीं। माँ ने कहा राजा की रक्षा करनी है, क्योंकि क्या अपराध किया उसने, ऐसा किया है कि उसे प्रणाम नहीं किया और प्रभु ने कल कहा कि मैं प्रातः उसका वध कर दूंगा। अब हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, प्रभु ने कहा संकल्प वध कर दूंगा तो मुझे प्रभु के साथ युद्ध करना पड़ेगा, प्रभु का कौन सामना कर सकता है, प्रभु के बाणों का वो तो कोई भी सामना नहीं कर सकता। अब मैंने वचन दे दिया माँ को तो मुझे करना ही पड़ेगा रक्षा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया, बोले कि तुम और इधर बैठ जाओ, रामधाम जब तक रुकना नहीं, बिल्कुल एक सेकंड नहीं रुकना, जब तक विपत्ति ना टल जाए। और हनुमान जी उसके सामने खड़े हो गए, रामधाम जपने लगे। और राजा को तुम रामधाम तुमने जपते रहे, रुकना एक मिनट, जब तक विपत्ति ना टले। और हनुमान जी आकर खड़े हो गए। प्रातःकाल प्रभु आए, प्रभु ने बाण चलाए। प्रभु जो बाण चलाते हैं विफल हो जाते हैं, जो बाण से विफल हो जाते हैं। समन ये शाम हो गई, पसीना आ गया, तो किनारे जी ने कहा देख लिया प्रभु का प्रभाव नाम का, अब तो क्षमा कर दो कि प्रभु को थकाओगे, कितना थकाओगे। तब विश्वामित्र जी जाके बोलते प्रभु जब आपका नाम, आपका बाण आपके नाम के आगे फेल हो गया तो फिर ये सब बंद करिए, मैं अब नाम ही जपने जाता हूँ। और विश्वामित्र राम नाम जपने चले गए। यानी प्रभु के नाम के आगे प्रभु भी विफल हो जाते हैं, उनका बाण भी नहीं काम करता। यह है नाम की सबसे बड़ी शक्ति। तब पूछा गया प्रभु अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है सीता जी, पूछा गया नाम पहारो दिवस ध्यान तुम्हारा का, आपका राम नाम रक्षा करने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है और नेत्र अपने चरणों में ही ताले, प्राण जाए तो किस मार्ग से। भैया आपके घर में बहुमूल्य वस्तु हो, बहुमूल्य वस्तु, आपने घर में ताला भी लगा दिया, दरवाजा ही बंद किया, चौकीदार भी खड़े हुए, उसके बावजूद अगर घर में चोरी होती ये तो बाद में देखो कि ताला किसे तोड़ा, दरवाजा कैसे खोला, पहले चौकीदार को जोते मैं तुमने क्या किया, तुम्हारे होते कैसे, दो प्रबल चौकीदार खड़े रहा और माँ तो कैसे प्राण निकल सकते हैं। तो नाम की मेहमानी खत्म हो जाती थी, पूरी लंका जल गई विभीषण घर ने, क्योंकि राम नाम जपता था। बोलो नाम की शक्ति देखो, पूरी लंका जल गई विभीषण घर, क्यों नहीं जला, क्योंकि वो नाम जपता था। तो दुनिया में आग लगती लग रही, तुम्हें क्या, तुम नाम जप को तुम बच जाओगे, वो कैसे बचेंगे वो प्रभु जाने, तुम जाप करते रहिए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो प्रभु का काम है तुम्हारी रक्षा करना। इसलिए नाम प्रभु से, क्योंकि प्रभु ने कुछ लोगों को तारा, प्रभु के आने के पहले जो ने नाम जपा वो भी तर गए, प्रभु के अंतर्धान होने के बाद भी जो जप कर वो भी तर रहे हैं और आगे भी जपेंगे वो भी तरेंगे। तब प्रभु से बढ़कर प्रभु का नाम हुआ कि नहीं, प्रभु ने कुछ को तारा लेकिन नाम तो सबको तारता जा रहा है। प्रभु के अवतार लेने के पहले और अवतार के अंतर्धान होने के बाद और आज तक जो नाम जपते आ रहे सभी तरते जा रहे। तो नाम कितना दयालु और कृपालु है, आप खुद अनुभव करके देखिए
क्या आगे भविष्य में जो जो लोग नाम जपेंगे सब तरते जाएंगे, सब बच जाएंगे, कोई किसी का कोई बुरा नहीं होएगा। हाँ, जो नाम जपेगा विश्वास के साथ उसकी बात कर रहा हूँ, जिसका विश्वास नहीं है, जो त्याग देगा, तो उसको मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। What to speak of the pure holy name, even the reflection of the holy name, nam abhat destroys all sinful reaction and allows one to easily attain love of God. अरे शुद्ध नाम तो दूर की बात रही, नाम आभास मात्र से ही जीव के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसके पाप और उससे भगवत प्रेम प्राप्त होता है। क्या लिखा है? डिस्ट्रॉय ऑल सिंफुल रिएक्शन, सारे कर्म पाप खत्म हो जाते हैं। मैंने प्रेम वर्ग ग्रंथ इसके पहले पढ़ा था, उस पर कई जगह पे लिखा है नाम से सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते। ये मत बोलो कि कर्म नष्ट नहीं होते। तुम क्या दिखाना चाहते हो कि प्रभु असमर्थ है? नाम ज़्यादा शक्तिशाली है प्रभु से, तुम साबित क्या करना चाहते हो? अगर प्रभु सर्वसमर्थ है, कोई चीज़ प्रभु के बराबर नहीं है, श्रेष्ठ कैसे होगी? तो ये तो कर्म तो तुच्छ वस्तु है, वो कैसे टिकेंगे प्रभु के नाम के आगे? प्रभु के आगे कैसे टिक सकते हैं? क्योंकि जीव को विश्वास दिए नाम पे, इसलिए उसको नाम का फल भोग, उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगर उसको विश्वास होए कि नाम से नष्ट होते हैं, विश्वास होए, ये विश्वास बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि अक्सर लोग यही बोलते हैं ना जी, कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, कहाँ नष्ट होते हैं, भुगतो तो फिर, तुम्हें विश्वास ही नहीं, फिर नाम जप क्यों करो, नाम टाइम वेस्ट क्यों करो, भोग दो अच्छी तरह से। अगर विश्वास है कर्म होगा, करके देखो, नहीं हो तो मैं जो बोलूँ मैं हारने को तैयार हूँ। कैसे नहीं होते हैं? तुम विश्वास करके करिए, निष्ठा से करिए, कैसे नष्ट होते मैं देखता हूँ। हम अनुभव से बता रहे हैं कि होते हैं, अपने जीवन का, दूसरों का जीवन किया है कि सब कुछ खत्म होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ईमानदारी से जप करने वाले बहुत कम होते हैं। एंड अलाउज वन इजी टू अटेन लव ऑफ गॉड, अब भगवान का प्रेम बहुत आसानी से प्राप्त, केवल नाम आभास से भी हो सकता है। जैसे अजाम अपने पुत्र को बुलाया, नाम आभास, शुभ नाम तो नहीं लिया, उसके संग के उससे भी कृपा हो गई, तो यह कैसे जपो तो सही यार, कम से कम नाम मन लगे या न लगे, तुम जप करते जाइए। जब नए संस्कार अंदर आएंगे, पुराने निकल जाएंगे ना, मन में स्थिरता अपने आप आ जाएगी। दुआई की ताकत को बढ़ा लो, पोटेंशियल बढ़ा लो, ज़्यादा माला करनी शुरू कर दो, 80 माला करो, 96 माला करो, 100 करो, जितनी करो, ताकि जल्दी आपकी गंदगी साफ होए। जितना ज़्यादा करोगे उतनी शीघ्र आपकी गंदगी साफ होगी, नए संस्कार आएंगे और वो नए संस्कार आपके हृदय को शुद्ध कर देंगे। पुराने निकल गए, क्योंकि कुएं के अंदर नया पानी डालोगे तो पुराना तो निकलेगा, पहले तो नया भी गंदा होता है, लेकिन रेगुलर पानी डालते रहोगे रोज, तो गंदा पानी बाहर निकलेगा ना, तभी तो साफ पानी रहेगा अंदर। तो नए जाप करते हो, कथा सुनते रहोगे, नए संस्कार आएंगे, तभी तो पुराने निकलेंगे। जब नए अंदर लोगे नहीं तो कैसे वो गंदा मन है, कैसे करो मन में बुरे विचार, भाई उसको साफ करने के तो पानी बार बार डालते जाओ, नए पानी को डालते जाइए, कथा नाम जप को डालते जाइए, धीरे धीरे वो सब हो जाएगा। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारा काम है नाम जपना, बाकी जो ना वो नाम महाराज खुद करेंगे। और कृपा शक्ति भी तो इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा प्रयास है थोड़ी कुछ हो रहा है, कृपा शक्ति भी तो भगवान देख रहा है। क्योंकि यशोदा मैया ने पूरा दिन प्रयास किया, कृष्ण बंधे नहीं, उसे छोड़ा नहीं, मैं बांध के, वो हट था मैं बांधूंगी, वो हट के कारण प्रभु बंध गए। गरीब मुझे प्रभु चाहिए, जिद पकड़ के रखो, मैं छोड़ना नहीं भजन, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो कृपा शक्ति उनके हृदय को पिघलाती है और उनको बंधवाती है। जब यही दृढ़ता की, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने हरि नाम नहीं छोड़ना है, तो भगवान की कृपा शक्ति भगवान के हृदय को पिघला के बंधवाएगी। ये दृढ़ता, ये नहीं कि मेरे सात दिन प्रयास के होते हैं, छोड़ दो ना, छोड़ो क्या फ़ायदा, ये छोड़ना ही तो समस्या है। फिर प्रभु ये तो छोड़ दिया, अब इसको जरूरत क्या, मैं तो बंधने वाला ही था, इन्हें छोड़ दिया, मैंने नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए, भजन को नहीं छोड़ना, नाम को नहीं छोड़ना, वो कृपा शक्ति बंधवाएगी बंधवाएगी। ये यशोदा मैया से हमें सीख मिलती है कि सुबह से लेकर शाम तक प्रयास करती रही, लेकिन सबने बोला कि छोड़ दो, उसके नसीब भाग्य में बदल लिखना नहीं, तुम क्यों से बांधना चाहते, सबने कहा नहीं मैं बांध के रहूँ, जब मर्जी हो जाए। यही दृढ़ता के कारण भगवान बंधे। हम कई लोग बोलते छोड़ दो बस हो गया, कितना करोगे, कितना छोड़ो छोड़ो, और हम बातों में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी नीयत खराब है, हमारे अंदर कपट, हम करना नहीं चाहते हैं, हमको बहाने मिल जाते हैं, इतने लोगों ने कहा तो सही होंगे, इतने लोग कह रहे हैं बेवकूफ़ है,
क्योंकि बेवकूफ़ी बोलेंगे छोड़, अगर सियाने होते तो भजन करते, तुम्हें भजन में लगाते, तुम्हें विचलित नहीं करते। ये बेवकूफ़ है जो नहीं करते, तुम्हें रोकते हैं भजन करने से, तुमको विचलित कर रहे हैं। बुद्धिमान जो होएगा प्रभु का कृपा का पात्र, वो कभी नहीं ऐसा बोला कोई बात ही, करते जाइए और देखा ऐसी कृपा मिलती है, आप भी सोच भी नहीं सकता। इट इज सेड दैट द लॉर्ड होली नेम इज लाइक अ डिजायर ट्री, प्रभु का जो नाम है वो कल्प वृक्ष के समान है, मन चाहे वस्तु देने वाला। इफ एनी वन चैंस अ प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड ही श्योर टू अटेन ऑल परफेक्शन, जो संख्या पूर्वक नाम जप करते हैं उन्हें पूर्णता प्राप्त होती है। दैट इज वाई ऑल द स्क्रिप्चर्स इम्फेसाइज द चैंटिंग द लॉर्ड्स नेम, इसलिए सारे शास्त्र जोर देते हैं नाम जप करने के लिए, लेकिन हम नलायक है, बेशरम है, हम नहीं करेंगे। जितना मर्जी बोलो बहुत अच्छी कथा के, बहुत अच्छा बोला, लेकिन मैंने नहीं करना, क्या करोगे बोलो। आप दवाई सब जगह से बढ़िया से डॉक्टर की लाओ, जब खाओगे तो आराम कहाँ से आएगा। और जो बॉम्बे हॉस्पिटल से दवाई लाया वो डॉक्टरों का पहचान, तो पहचानने से क्या होगा, दवाई खाई है फिर क्या फ़ायदा। म्यूनसिपल हॉस्पिटल के भी जो डॉक्टर दवाई देनी है, दवाई खाने से आराम होना है। तुम दवाई नहीं खा रहे हो, उसकी पहचान, उसकी पहचान, सारे पहचान बेकार है अगर नाम जप नहीं हो रहा तो। श्री कृष्ण चैतन्य बिस्टोज ए मर्सी ऑन अ पर्सन हु इज नॉट अटैच टू सेंस ग्रेटिफिकेशन बट टू चैन द होली नेम। कृष्ण चैतन्य जो है आपकी कृपा देते हैं किस पे, जिसको संसार में भोगों के प्रति आसक्ति नहीं है और जब भगवान के नाम का जप करते हैं। चैंटिंग द होली नेम इज द बेस्ट प्रोसेस अमंग ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ साधन। साधु संघ का फल क्या है, नाम में रुचि होना। मंदिर जो है विग्रह सेवा भी तब सफल होती है जब आप हरि नाम करते हो। बगैर हरि नाम के 64 माला के विग्रह की सेवा भी निष्फल जाएगी, क्यों? पहले भाव तो बने तभी तो भगवान से व्यवहार होएगा। भाव ही नहीं है बन तो क्या व्यवहार। सारा दिन सारी जिंदगी लगा दो विग्रह सेवा में, अगर भजन भी हो रहा है तो विग्रह सेवा भी बेकार है। विग्रह सेवा भी तब फलीभूत जब नाम जप होता है। मथुरावास मत धाम जाके क्या करोगे, अगर भजन हो रहा है तो धाम भी कृपा करके प्रकाशित होता है। अगर नाम जप भी करोगे तो उधर पाप कर्म करोगे तो घोर ब्रह्म हत्या का, यानी क्या ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा मृत्यु के बाद। अगर धाम में रहना तो भजन करने जाना, उधर निंदा चुगली लड़ाई झगड़े वैर विरोध करने मत जाओ। भजन की आदत है तो फिर मत जाओ, भजन की आदत तो जाके धाम में रहिए ताकि उस कृपा मिले, नहीं तो लोग जाते हैं धाम में अपराध करके आ जाते हैं। तो धाम भी कृपा तब करता है जब भजन करते हो तो। और हमने अनुभव किया है, हम पिछले 16 साल से जा रहे हैं ब्रिज में, हम देख रहे हैं हर साल 1-2 नई जगह हमें दर्शन मिलते हैं। हम हैरान, इतनी जगह ब्रिज में है हमें पता ही भी नहीं होते। हम यानी धीरे धीरे भजन बढ़ता है तो धाम भी प्रकाशित होता है, एक साथ नहीं करते। और कितनी जगह होंगी हमें खुद को नहीं पता कब प्रकाश है, वो भी राधा रानी जानती है। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे आपका भजन साधन बढ़ेगा धीरे धीरे धाम भी प्रकाशित होता है, अन्यथा नहीं। बिना नाम के धाम की भी कृपा नहीं मिलती है। भागवत श्रवण का फल क्या है, नाम में रुचि होना। भागवत का एंड इसी में होता है, नाम कीर्तन। वेद व्यास से जो लास्ट लाइन लिखी है भागवत के 12 स्कंद के अंदर, वो यही है कि इन सब का फल लास्ट में नाम कीर्तन है। नाम कीर्तन से सब सिद्धि होती है, यानी पूरी भागवत पढ़ने का फल नाम संकीर्तन है। और मैंने सब बोल दिया, पांचों बोल दिया, धाम से है ना, सेवा, विग्रह सेवा, साधु संघ का फल क्या है, साधु के पास क्यों जाते हो, नाम में रुचि उत्पन्न करने के लिए जाते हो। साधु का काम है प्रेम का संचार करना, भाव देना। देखो क्या होता है, जब कथा करते हो तो कथा से जो अर्थ हो मिलते, जो कथा से भक्ति उत्पन्न होती है और जो भाव अर्थ है, तो वो अर्थ भक्ति का श्रृंगार है। जो अर्थ होते हैं जो भाव, उससे भक्ति और सुंदर होती है। कथा से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति का श्रृंगार क्या है, संत महात्मा के जो अर्थ निकलते हैं, जो भाव निकलते हैं, वही वास्तव में भक्ति का श्रृंगार है। और श्रृंगार जब चढ़ता कितना सुंदर लगता है इंसान, तो भक्ति कितनी सुंदर हो जाती है। और भक्ति में क्षमता है प्रभु को खींच के लाने की, प्रभु भगवान को खींच के आपके हृदय में बिठवा देती है।
तो संत का काम क्या है? भक्ति देना, प्रचार कथा करना, कथा से भाव देना, भाव से आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होएगा, प्रेम उत्पन्न होगा तो अंतकरण की शुद्धि होगी, तभी तो गोविंद प्रकट होंगे। कथा ही नहीं दूंगा, भाव नहीं दूंगा तो गोविंद कैसे प्रकट होंगे? आपके अंदर प्रेम का संचार ही नहीं किया मैंने तो, और नाम तो करने ही करने आपको ऊपर से। समझे ना? तो सबका फल लास्ट में हरिनाम ही है, जो मैंने सारी बातें बताई हैं। तो हरिनाम करने से भागवत श्रवण का फल भी मिल गया, धाम सेवा का फल भी मिल गया, विग्रह सेवा का फल भी मिल गया, और भागवत पढ़ने का फल भी मिल गया, क्योंकि पांचों नाम कीर्तन है, पांचों पे से सब आ जाते हैं। और ये सब अलग अलग करोगे, नाम कीर्तन नहीं किया तो सब कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती। मंत्र का जप में जो त्रुटियाँ रह जाती हैं वो भी नाम कीर्तन से पूरी होती। भागवत पाठ के बाद जो कथा में जो त्रुटि रह जाती है वो भी नाम कीर्तन से पूरी होती है। रामायण के पाठ में जो त्रुटियाँ भी नाम कीर्तन से पूरी होती, सत्यनारायण की पूजा, गणपति पूजा, जो कोई त्रुटि रहती नाम, तो सब कुछ अगर नाम से पूर्ण होता है तो राधे नाम क्यों नहीं करते, नाम की सेवा क्यों नहीं करते हो? क्योंकि भागवत में जो गलती होगी नाम से ही पूरी होती है। दो मिनट नाम कीर्तन करे तो फिर नाम कितना महत्वपूर्ण है, सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम है, इसलिए जी को हर समय नाम जपना चाहिए। मैं दो मिनट पे विश्राम करता हूँ। आउट ऑफ गुड फॉर्चून अक्यूमलेट ओवर मैनी, अच्छा, चैंटिंग द होली नेम इज द बेस्ट प्रोसेस अमंग ऑल अदर फॉर्म ऑफ साधन। हरिनाम है सबसे उत्तम साधन है, सारे साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन हरिनाम है। इससे करने से भक्ति के जितने आठों अंग है, नौ अंग भक्ति के, आठों अंग वशीभूत हो जाते हैं। आउट ऑफ गुड फॉर्चून अक्यूमलेटेड ओवर मैनी लाइफ टाइम्स वन कैन डेवलप लव एंड डिवोशन एट द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड सिंपली बाय चैंटिंग हिज नेम। कहते हैं सौभाग्य से कई जन्मों के सुकृतियाँ जमा होती हैं, इंसान को भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति उत्पन्न होती है। कैसे? सिंपली बाय चैंटिंग होली, केवल हरिनाम करने मात्र से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, केवल हरिनाम करने मात्र से, और कुछ नहीं। तो इसको मैं विश्राम देता हूँ, कथा हम कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पत्रु भेष कृपा सिंधु भयव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।